इनेलो बसपा के संयुक्त प्रदेश बंद का असर कालका पिंजौर में भी देखने को मिला। बंद को देखते हुए बाजार में सभी दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानें आज बंद रखी। बता दें, देश में बढ़ती महंगाई, प्रतिदिन बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतें एवं SYL जैसे मुद्दों को लेकर इनेलो बसपा ने संयुक्त रूप से सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए आज प्रदेश में बंद का ऐलान किया हुआ था, जिसके मद्देनजर प्रदेश भर में बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। प्रदेश में कहीं कहीं बाजार पूर्णतः बंद रहे तो कहीं कहीं कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकानें खुली रखी। वहीं पिंजौर कालका में बंद का खासा असर देखने को मिला। फिलहाल तक दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद की हुई हैं। पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी ने इस दौरान भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि मौजूदा सरकार को सत्ता में आए 4 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए जो कि सरकार ने सत्ता में आने से पहले लोगों से किए थे। प्रदीप चौधरी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कभी GST के नाम पर तो कभी नोटबंदी के नाम पर और कभी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर जनता का शोषण किया जा रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने आज पूरा हरियाणा प्रदेश में बंद का आह्वान किया है, क्योंकि जो साथ सत्ता में लोग बैठे हैं, जो चुनावी वायदे करके जनता को गुमराह करके सत्ता में आए थे, आज वे जनता के हितों से लगातार खिलवाड़ करने में लगे हुए हैं। आज महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, SYL का मुद्दा, ऐसे अनेकों मुद्दों को लेकर आज पूरे हरियाणा प्रदेश में बंद का आह्वान किया है। उस सिलसिले में आज हम सभी, हमारे पार्टी के इंडियन नेशनल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सभी नेतागण कार्यकर्ता जाकर दुकान पर दुकानदार से, व्यापारी भाई से इसमें बंद का पूरा आह्वान करके सहयोग दिया है। और मैक्सिमम आज हमें बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए कि भाई दुकानदार भाइयों ने, व्यापारी भाइयों ने हमारा इसमें बंद में पूरा सहयोग किया। बता दें, बंद को सफल बनाने के लिए इनेलो नेताओं और कार्यकर्ताओं ने घूम घूम कर दुकानदारों से अपनी दुकानें बंद रखने की अपील की है। हिंद एक्सप्रेस के लिए पिंजौर से मैं पाल कटकवाल की रिपोर्ट।